कंट्रीब्यूशन करते हैं एट सच अ बिग लेवल, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहा है हमारा प्रिय मित्र सौरभ दफ्तरी, क्योंकि म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लिए भी इतना सोचा जाता है। ये पहला ही एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, और हर साल नीडी आर्टिस्टों को फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है, और इस प्रोग्राम से जो भी आमदनी होती है वो आर्टिस्टों में दी जाती है, नीडी लोगों को दी जाती है, और भी कई जगह अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसको इसकी मदद हो जाती है। तो इतना बड़ा काम करता है और इतने बड़े लेवल पे प्रोग्राम करता है, ये बहुत खुशी की बात है, और हम कोशिश करते हैं कि हर साल इसमें हम लोग आ जाएं, अपनी कंट्रीब्यूशन कर दें। तो आज भी इतना सारा मजमा देख के बहुत मज़ा आ रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जैसे हरी और अनूप तलत, ये तो हर साल गाते ही हैं, हम भी कभी कभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और आज तो हर्षदीप है, ये अपना सलमान अली है, और हरी खुद गाया, अनूप खुद गाएं, मुझे थोड़ी सी देर हो गई आते आते, मगर देर हो दुरुस्त आने चाहिए, तो पहुंच गए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आप इतने प्यारे हो, बहुत अच्छा प्रयास है। मैं तो जब से मतलब संगीत कर रही हूँ तब से हमेशा मेरा मन में रहा कि मैं किसी भी तरीके से हेल्प करूँ जो भी म्यूजिशियन जो डे टू डे काम करते हैं उनके लिए, और फिर एक सर्टेन एज के बाद वो मार्केट से जैसे आउट हो जाते हैं तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। मैं खुद काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, अभी कुछ कर नहीं पाई, और सौरभ भाई ने स्टार्ट कर दिया, इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। और मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान होने के नाते लोगों की मदद करना, म्यूजिशियंस की हेल्प करना। इवन आप देखिए कोविड टाइम पे किसी ने भी हेल्प नहीं की थी, हम लोगों ने, म्यूजिशियंस ने एक दूसरे की हेल्प की, चाहे फाइनेंशियली जिस तरीके से भी जो सपोर्ट कर सकते थे। इवन गवर्नमेंट्स हमसे कहती थी कि आप फंड रेज करिए गाना गा करके, मतलब हर तरीके से, लेकिन हमारे लिए कौन था? तो हमारे लिए इस तरीके के सौरभ भाई जैसे लोग आए जिन्होंने सब म्यूजिशियंस को सपोर्ट किया और कर रहे हैं। इवन मैंने भी थोड़ा बहुत चैरिटी मतलब क्राउड फंडिंग किया और म्यूजिशियंस को कैश देने की कोशिश की कि किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, किसी को पेरेंट्स की दवाई देनी है, मतलब अलग अलग सबके इश्यूज थे, तो जो कोशिश बन पड़ी वो किया। तो वही एक प्रयास जो सौरभ भाई कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग थिंग। बाकी फेलो म्यूजिशियंस को क्या आप मैसेज देंगे बिल्कुल मुझे लगता है कि इतना कुछ हम अपनी सोसाइटी से अभी तक लेते हुए आए हैं, अब हमारी ड्यूटी बनती है जब हम एक मकाम पे पहुंच जाते हैं तो एज ए म्यूजिशियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, उसमें से हमारा जो भी हम जो कुछ भी कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा, एक मुझे लगता है एक ड्यूटी है हमारी कि हम जो भी मदद हो सके म्यूजिशियंस की, इंसानों की, जिस रूप में हम चाहे, यदि आप फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो फिज़िकली जाके उनकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मॉरली करिए, इमोशनली जो भी हेल्प कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है और वो करना ही चाहिए इंसान के नाते। बहुत ज़्यादा बस प्रे कर रही हूँ कि वो हमेशा हर गीत को इतना प्यार दिया है इस इंडस्ट्री ने और आप सभी ऑडियंस ने, तो वैसे ही और दिल खोल के उस गीत को मोहब्बत दें बस। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी हैप्पी कि 9 साल रहमतें हमने की हैं। सौरभ इज़ रियली वर्क हार्ड ऑन द
प्रोजेक्ट एवरी ईयर, और ये साल भी हम बहुत अच्छा ही हो रहा है अभी. शो इज़ गोइंग ऑन एंड पीपल आर एंजॉइंग इट. और रहमत के जो क्राउड है वो भी अलग सा आते हैं, हु वैल्यू चैरिटी. एंड यही है कि ये काम जो है, ये शोज़ तो हम करते हैं, रोज़ करते हैं शोज़, मगर ये शो स्पेशल है क्योंकि ये इससे हम कुछ दे पाते हैं लोगों को, जो ज़रूरतमंद म्यूजिशंस को, कैंसर पेशेंट्स को. सो ये हमें अच्छा लगता है ये काम हो रहा है. आज ट्रिब्यूट था मोहम्मद रफी जी को और किशोर कुमार जी का, ये हर्ड सच नाइस एनेक्डोट. जी 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 जी, क्या है ना कि हर साल मैं अपना गाना गाता हूँ, तो मैं कहा कि इस साल मैं कुछ लेजेंड्स के काम करूँ करके, और आई एंजॉयड माय सेल्फ. जी जी जी, बस यही काम करते रहें. और रहमत है इस अ प्लेटफॉर्म विच इज विल बी ऑलवेज देयर. और ये तो एवरी जनरेशन शुड कैरी ऑन, क्योंकि रहमत है इतना खूबसूरत नाम है एंड इट सेज ऑल. मतलब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि इसका मानी ये है, नहीं, रहमतें आपको मालूम है रहमतें हैं. एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल नेम एंड अ प्रोजेक्ट. तो ये हर साल ये मुकर्रर होता रहे. सर, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी सर जी से लेकर और आज तक के जनरेशन में म्यूज़िक में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ, और आपका एक स्टेटमेंट था जहाँ आप बोले थे कि वो दिन नज़दीक नहीं है जब मशीनें भी गाने लगेंगी. नहीं, मशीनें तो गाते हैं अभी, आधा काम तो मशीन करता है, और ये तो होता ही रहेगा. इसमें अब देखिएगा, अभी पहले कि आप गियर चेंज कर देते हर, तो अभी तो सेल्फ, मतलब वो ज़रूरत ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक कार्स आते हैं. तो अभी कार्स जो हैं इट पार्क्स इटसेल्फ. तो यही काम कंप्यूटर जो है वो म्यूज़िक में भी आ गया है. तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो बहुत ही आने वाला है. तो बहरहाल उसको तो हम, वो आने दो उनको, मगर हम जब गाते हैं तो उसका मज़ा अलग है, ये कहूँगा मैं. जैसे कि आपको हमने हर सॉन्ग गाते देखा, भले वो भजन हो, बॉलीवुड जी जी जी, या फिर गजल से रिलेटेड. आपने कहा था कि आज के जनरेशन में गजल कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है, लोगों के तो यूथ जनरेशन, वो लोग के बीच गजल लाना जरूरी है. नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 2 साल से बहुत इम्प्रूव है गजल का जो एक फॉलोइंग है. मैंने जश्न रेखता में 2 साल लास्ट ईयर मैंने परफॉर्म किया था, तो लगभग 10,000 से 12,000 लोग आए थे. उसमें 60% जो है वो यूथ थे, और को याद है गज़लें, गाते भी हैं. और ये यही हर छोटे सिटी में, अभी कल रात को मैं गा रहा था गज़ल परफॉर्मेंस, रात को 9:30 से 12:30 तक, एंड इट इज़ अ फुल शो. तो अच्छा लगता है कि लोग पसंद करते हैं गज़ल. सलाश, आपका जो फेमस सॉन्ग है तू ही रे, हम आपके मुंह से अभी सुनना चाहिए. अरे अभी नहीं सुन, आप सुना नहीं, हम इधर हैं. चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको. के लिए मगर उन तक पहुँची नहीं पहुँच पाती.
देखिए मैं जानता हूँ बहुत सालों से, जब से रहमतें की सोच थी, जब शुरुआत थी, तब से मैं जानता हूँ सौरभ और हरी के थ्रू काफ़ी मुझे इस बारे में पता है। आई थिंक हर इंडस्ट्री में, कोई भी स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है, उसमें उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हर अगर इसी तरह से फील्ड को सपोर्ट किया जाए और पब्लिकली इतना बड़ा कुछ किया जाए, आई थिंक उससे बेहतर कुछ नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कभी किसी को कोई बच्चों के लिए कहते हैं कि अरे उनको इस गांव में खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, लेकिन एक्चुअली जो टैलेंटेड लोग हैं, वो जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, जो ऊंचाइयाँ छुई होती हैं और उसके बाद में कई बार काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो कोई ऑर्गेनाइज्ड सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, तो आई थिंक उसमें रहमतें जो है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं चाहूँगा कि लोग दिल खोल के और ज़्यादा जो है, ना सिर्फ काफ़ी सारे लोग टिकट लेके आए हैं, काफ़ी स्पॉन्सर्स सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े स्पॉन्सर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये और बड़ा हो, और ये शनमुखानंद हॉल जो है काफ़ी काफ़ी बढ़िया वेन्यू है, बट मैं चाहूँगा कि आने वाले सालों में इतना बड़ा हो कि किसी स्टेडियम में 25,000 लोग इसको सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी मदद हो सके। माई बेस्ट विशेज। देखिए हरी और मैं और शंकर हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। एक्चुअली एक हमने कुछ हमने शोज़ किए हैं खाना और गाना करके, एक नेक्स्ट शायद नवंबर या जैन में एक शंकर के साथ में एक कर रहे हैं, सो जुगलबंदी प्लान हो रही है, देखिए जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। के 9 साल से रहमती एक ऐसा काम कर रहा है जो नीडी म्यूजिशियंस होते हैं, फैमिलीज होती हैं, उनकी मदद की जाती है, और सौरभ भाई की अपनी भी कार्य करेगा। ये जो गुरु का नाम है ना रहमती, ये सब कुछ कह देता है। कभी कभी तो 100 रुपए का फोन भी आ जाता है, कभी पता ही है कोई ऐसा इंसान है या ऐसा परिवार है जिसको हमारी हेल्प की सख्त जरूरत है। मैं बता देता हूँ बिना उनके नाम लिए मदद करते हुए हमें खुशी होती है, लेकिन नाम लेते हुए मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन रहमत है वो एक ऐसा प्रोग्राम है, आप देखिए क्या कलाकार है, हर बार हमें बुलाया जाता है, हम आ जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा पावन काम है कि आप इधर आगे परफॉर्म करें। आज हरी जी की वो सुन रहा था, नाचा गा रहे थे, यहाँ अरुण जी भी आए हुए हैं और अनेक कलाकार हैं जो परफॉर्मेंस देंगे। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसके पीछे जो इंटेंशन है वो बड़ी पावन इंटेंशन है, किसी की मदद की जाए। मैसेज तो ये है, हमारी इंडस्ट्री एक बहुत ही नायाब इंडस्ट्री है, और बस जो हमारा प्रोग्राम होता है ये तो सौरभ भाई जो करते हैं वो एक ऐसा काम करते हैं जिससे किसी की मदद होती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं समझता हूँ कि ही इज एक्चुअली लाइक अ म्यूजिशियन सौरभ भाई, इन्हें गाने बजाने का बड़ा शौक है। ये कोई भी अच्छा सच्चा गायक या संगीतकार सामने आ जाए बड़ी शौक से सुनते हैं, उनको बुलाते भी हैं, और इसी
किसी की तकलीफ समझना, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी। वेल, मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मैं एक म्यूजिशियन की तरह जन्मी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी लाइफ में संगीत है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द म्यूजिशियंस जो हमारी लाइफ को और संगीतमय और खूबसूरत बनाते हैं। एंड परफॉर्मिंग एट रहमते फॉर द 9th एडिशन हैज़ बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, स्पेशली बिकॉज इट्स फॉर अ वेरी नोबल कॉज। हम सिर्फ उनके गाने सुनते हैं, उनका म्यूज़िक सुनते हैं, उन म्यूजिशियंस का, लेकिन व्हेन वी थिंक ऑफ देम एज पीपल हु आर अर्निंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, द सोल ब्रेड अर्नर्स फॉर देयर चिल्ड्रन, तो मुझे लगता है कि हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें जितना ज़्यादा उनकी मदद कर पाएँ उतना करें। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर रहमते। बहुत से गाने हैं मेरे दिल के बहुत करीब, और हाल ही में मेरा गाना जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया वो था दिल बरो फ्रॉम द फिल्म राजी, तो उसकी दो लाइनें ऐसे हैं। गले पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार इस दहलीज पार करा दे। थैंक यू, थैंक यू। बट दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन है मुझसे, बट हाँ हाल ही में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द बॉलीवुड म्यूज़िक, इट्स वेरी मेल ओरिएंटेड। और बहुत से रिपोर्टर्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्यों लड़कियों के गाने इतने कम आ रहे हैं। आई थिंक ये एक एक ऐसा सवाल है जिसका मेरे पास भी जवाब नहीं होता। सो आई थिंक मोर फीमेल सेंट्रिक सॉन्ग्स शुड रिलीज़। टू ऑल दी ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग गुड म्यूज़िक, और अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अपने बच्चों को भी अच्छा संगीत सुनाएं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ म्यूज़िक सीखे ज़रूर, क्योंकि म्यूज़िक अपने आप में एक साधना है, एक मेडिटेशन है। सो उसको जी भर के हार्डवर्क करके करिए। एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर सपोर्टिंग माई म्यूज़िक। मैम एक क्वेश्चन, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है जो रियल सॉन्ग का है उसका रीमेक वर्जन डाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद आता है, तो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है म्यूजिक का, तो क्या करते हैं? मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत ही समझदार है, जो चीज़ उन्हें लगता है कि पुरानी चीज़ को ख़राब कर दिया गया है वो अपने आप ही रिजेक्ट कर देती है, और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत सोल हो वो गाना लोग पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि रिक्रिएशन इज़ नॉट बैड अगर उसको अच्छे ढंग से किया जाए, पुराने गाने की सूरती को मेंटेन करके किया जाए, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर ओरिजिनल कंपोजर्स, तो तब लोग बुरा नहीं मानते। थैंक यू। का नवा साल है जो कंप्लीट हो चुका है, और मेन इनका जो मोटिव है वो सिंगर्स की मदद करना, सिंगर्स को एक प्लेटफॉर्म देना। नहीं, सिंगर को प्लेटफॉर्म देना वो तो 100% है। जो 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 कॉज वो है कि जो नीडी म्यूजिशियन है, जो ज़रूरतमंद कलाकार है, वो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो या वोकलिस्ट हो, उनके लिए सौरभ भाई, सौरभ दफ्तरी जी हमारे भाई, बड़े भाई, वो हर साल ये फंड रेजिंग करते हैं और निस्वार्थ करते हैं, इस चीज़ का बहुत ही अच्छा लगता है। और देखते देखते देखिए आज ये रहमते 9, और हर साल इसका कनवास धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है, और इसमें सबका सहयोग है। अनूप जलोटा जी, हरिहरन जी, शंकर महादेव जी, जितने हमारे जो संगीत से जुड़े हुए कलाकार हैं,
इन सबका भी हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि जिस प्यार से आते हैं और आके परफॉर्म करना और इस चैरिटी में अपना बतौर अपने म्यूज़िक के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन देना, ये काबिल तारीफ़ है और ये होता रहना चाहिए, होती रहनी चाहिए ये चीज़, और इससे ये चीज़ बरकरार रहेगी कि एटलीस्ट ज़रूरतमंद तो खैर वैसे बहुत लोग होते हैं, लेकिन टाइम पे अगर किसी कलाकार की मदद हो तो वो बहुत, बोलते ना कि अगर डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो अगर एक टाइम पर अगर एक ड्रॉप भी मिल जाती पानी की किसी को उस टाइम पर जो नीडी है, तो वो कहीं ना कहीं बड़ा असर करती है। और मेरा मानना है कि संगीत एक ऐसा ज़रिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं संगीत के ज़रिए। तो मैं पूरी रहमतें पूरी टीम को बहुत दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ इनका, और जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ख़ास करके सौरभ दफ्तरी भाई ने, ये काबिल तारीफ़ है और मैं चाहता हूँ ये सिलसिला चलता रहे और अगले साल 10 साल हो जाएंगे तो और लोग जुड़ते रहें इसमें, ऐसे इसमें अपना योगदान देते रहें, अपने कंट्रीब्यूशन थ्रू म्यूज़िक थ्रू पोइट्री थ्रू आर्ट बस। और ये कहीं ना कहीं जिस कलाकार के पास इसका निमित्त मजाएगा, जो भी फंड जो भी बनेगा वो मुझे पता नहीं कितना है क्या है, कहीं ना कहीं उनकी सबकी दुआएं सबको लगेगी, तो ये बहुत अच्छा कॉज है। और माय बेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन रहमतें। थैंक यू।